नमस्कार, मैं हूँ अमृतांजलि रंजन। तहलका इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ शादी से रिलेटेड कुछ बातें लाई हूँ, तो आइए जानते हैं शादी किन वजह से टूट जाती है, किस वजह से जल्दी नहीं हो पाती है, तो इनके पीछे कुछ ज्योतिष शास्त्र हैं। तो आइए जानते हैं, इस हमारे 7 टिप्स हैं, इन्हें देख कर आप पता लगा सकते हैं कि इस उपाय को करने से क्या फायदा है। धर्म में विवाह को सबसे सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। हर कोई यह जानता है कि शादी जिंदगी की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। न केवल भारतीय समाज बल्कि बौद्धिक ज्योतिषी में भी विवाह का विशेष महत्व होता है। प्राचीन समय में शादी के लिए एक बड़ा ही अलग परिदृश्य हुआ करता था। हालांकि 20वीं सदी से शादी को लेकर बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। अब शादी में देरी होने लगी है, शादी की उम्र दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो क्या ज्योतिषी इसमें कोई अपनी भूमिका निभा सकता है? शादी में देरी के ज्योतिषी कारण, जब सप्तमेश वक्री हो और मंगल अष्टम भाव में हो तो इस वजह से शादी में देरी होती है। सप्तमेश यदि कमजोर होता है और छठे या आठवें भाव में स्थित होता है तो यह भी शादी में बाधा उत्पन्न करता है और इसकी वजह से शादी में देरी होती है। शनि और सप्तमेश में संयोजन के कारण भी विवाह में देरी होने लगती है। जब शनि और शुक्र के बीच पारस्परिक दृष्टि होती है तो ऐसे में भी जातक की शादी में अत्यधिक देरी होने लगती है। साथ ही यदि पीड़ित चंद्रमा में 8वें या 12वें भाव में होता है तो ये इस कारण से शादी में अनावश्यक रूप से भी देरी होती है। शादी में देरी को दूर करने के सबसे असरदार उपाय, हर शुक्रवार को आपको शुक्र भगवान की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप राधा कृष्ण या शिव पार्वती के मंदिर में विवाह समारोह की व्यवस्था में सहयोग दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना आपको पाठ करना चाहिए। लड़के या लड़कियां दोनों ही ऐसा कर सकती हैं। मांगलिक दोष दूर करने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कन्याओं को त्याग यानी देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं इसके विपरीत लड़कों को सप्तशती चंडी में मौजूदा पत्नी प्राप्ति मंत्र का जाप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए लड़के और लड़कियां दोनों को यह सलाह दी जाती है कि वे भगवान शिव के मंदिर में जाकर 16 सोमवार व शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जल्दी शादी करने के लिए अपने वास्तु दोष को भी दूर करना मददगार हो सकता है। शादी वास्तव में स्वर्ग से बनी हुई जोड़ी होती है, इसलिए निश्चित रूप से आपके लिए भी आत्मसाथी दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर मौजूद होता है। फिर भी सही समय पर उससे मिलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एक विशेषज्ञ ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाने या जानने में आसानी होती है कि आप कब और किसके साथ विवाह करने वाले हैं। साथ ही कुंडली में किसी तरह का विवाह दोष यदि मौजूद हो तो इसे कम करने के लिए भी कुछ असरदार उपाय किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया। आपने तो देख ही लिया होगा हमारे जो 7 टिप्स हमने जो बताया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सफल विवाह के लिए आपके सितारे आपके पक्ष में होना चाहिए, इसलिए किसी अवांछित परिस्थिति के कारण इंतजार क्यों करना चाहिए। तो ये तो हमने जो बताया आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।